12 अगस्त को घायल अवस्था में गिद्ध हजारीबाग के कोनार डैम में मिला था तथा जिसके मिलने के बाद क्षेत्र में ये खबर तेजी से वायरल हुआ था कि गिद्ध के गले में एक बांग्लादेशी ट्रैकर लगा हुआ है एवं जिस समय ये गिद्ध मिला था उस समय बांग्लादेश में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। गिद्ध की खबर मिलते ही तुरंत स्थानीय प्रशासन भी वहां पहुंचा था। हालांकि बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एवं जीव जंतुओं पर काम करने वाले मुरारी सिंह ने इस बात को नकारते हुए बताया कि यह ट्रैकर विलुप्तप्राय जीव जंतुओं पर लगाया जाता है। आज उस गिद्ध को पूरी तरह से सुरक्षित एवं तंदुरुस्त हो जाने के बाद रिलीज कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। बारह अगस्त को वो यहाँ मिला था, घायल अवस्था में मिला था, बीमार था, जो चल भी नहीं पा रहा था ठीक से, उसका बॉडी वेट काफ़ी कम था। उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रखा अभी तक, आज तक, और आज सुबह उसको उसका वेट लेने के बाद वेट उसका गेन हुआ है लगभग 2 किलो, तो वो स्वस्थ हो गया था और इसीलिए उसको कोडरमा में छोड़ा गया। कोडरमा में छोड़ने की वजह यह थी कि वहाँ पे कॉलोनी है गिद्धों की, घोंसला है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग जब छोड़ने गए तो वहाँ 2 गिद्ध पहले से भी बैठे हुए थे जो उसी प्रजाति के थे, तो ताकि उनको वो मिल जाए, उनके साथ वो घुल मिल जाए और उसको फूड सर्च करने में, क्योंकि वो कैप्टिव रह चुका है हम लोगों के पास, तो उसको खाना दिया जा रहा था तो वो खुद से अपना भोजन सर्च करे, उसके लिए उसको कोडरमा में छोड़ा गया है और वो अब हम लोगों की उम्मीद है कि वो सर्वाइव करना चाहिए। और उसमें वो जो ट्रैकिंग डिवाइस बांग्लादेश ने लगाया था वो ट्रैकिंग डिवाइस उसी तरह लगा हुआ है और उसकी मॉनिटरिंग आज से फिर से शुरू हो जाएगी। तो डिवाइस लगाने का क्या मतलब था, जो अगर बांग्लादेश से आया तो उसका क्या कुछ सुरक्षा के? नहीं, ये जो ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की बात है उन्हीं प्रजाति के पक्षियों में लगाया जाता है जो विलुप्त प्राय हो जाते हैं, तो ये उसका एक कंजर्वेशन का एक स्टेज है कि वो कहाँ जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोग मानते थे कि गिद्ध भोजन को, अपने भोजन को सर्च करने के लिए लगभग 100 किलोमीटर जाते हैं, लेकिन हम लोगों की या साइंटिस्टों की यह धारणा गलत साबित हो गई ये ट्रैकिंग डिवाइस लगने से। वो साथ बांग्लादेश से यहाँ की दूरी वो लगभग 700-800 किलोमीटर तय करके यहाँ आ गया, तो वो जो थी तो पहले का जो रिसर्च था वो धराशाही हुआ, नया फैक्ट्स आ रहा है कि ये कितना दूर तक विचरण कर सकते हैं, तो ये पता लगाने के लिए कहाँ जा रहा है। तो गिद्ध क्या भटकता है इस तरीके से? बिल्कुल, चूंकि उसको भोजन तो वो जानवर को मारता नहीं, मरे हुए जानवर को खाता है, तो मरे हुए जानवरों की तलाश के लिए वो झुंड बनाकर ऊपर आसमान में मंड रहा था और जहाँ उसको मरे हुए जानवर मिलते हैं तो सारे फिर लैंड कर जाते हैं और उसको खा के साफ कर देते हैं। आप लोग के दिशा निर्देश में इसकी देखभाल? बिल्कुल बिल्कुल, उसका इलाज जो था वन विभाग ने रखा जरूर था, लेकिन जो ये था गाइडलाइन था कि गिद्ध को कैसे बचाना है, उनको कौन सी दवा देनी है, तो ये हम लोग भी बीएनएचएस से कांटेक्ट करके। क्या हालात था गिद्ध का, मतलब स्वस्थ? बहुत स्वस्थ था और वो निकलने के लिए उतावला था, हम लोगों को वक्त भी नहीं दिया कि हम लोग बहुत बढ़िया से उसका वीडियो बनाया या फोटो ले सके, जैसे वो गेट खुला सीधे फ्लाई किया। ये कहा जा सकता है वापस वो बांग्लादेश जहाँ से आया वहाँ जा पाएगा? जा सकता है, वहाँ भी जा सकता है या दूसरी जगह भी जा सकता है। ये किस आधार पर कहा जा सकता है? इसलिए कि बांग्लादेश में भी वो मिला था, घायल मिला था, उसका रेस्क्यू हुआ था वहाँ भी, तो ये हो सकता है कि हजारीबाग से ही उड़ के गया हो और फिर रास्ता ये ढूंढ लेता है क्या, जिस रास्ते से आया वापस जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये जा सकता है, जहाँ है वो वहाँ वापस जा सकता है। हाँ, चूंकि इससे पहले भी ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ गिद्ध नेपाल से हजारीबाग आया था और हजारीबाग में सबसे ज्यादा दिन 7 दिन बिताने के बाद फिर वापस नेपाल चला गया था। मतलब ढूंढते हैं क्या ये वापस उसी जगह को जहाँ से लोग उड़ के आया है, तो ऐसा कितने टेंडेंसी रहता है? हाँ, मतलब वो अभी तक जो इस पर काम हुआ है, जो रिसर्चर्स का ग्रुप है, उनका कहना है कि वो अपने ग्रुप में वापस लौटते हैं, क्योंकि भोजन अकेले ढूंढना संभव नहीं है, इसलिए उनको ग्रुप में रहना जरूरी है। और दूसरा वो जो अपना साथी मीटिंग वगैरह वो जो होता है, लुप्त प्राय के कंडीशन पर है गिद्ध और आप लोग उसको लेकर काम कर रहे हैं, तो ये कितने संतुष्टि दे रही है कि एक गिद्ध के ऊपर आप, मतलब जो मरणावस्था में था उसको फिर से प्राण देकर? बिल्कुल, जब वो हम लोगों को लग कहीं ये इतना कमजोर हो गया है शायद ये सर्वाइव नहीं करे, लेकिन खुशी इस बात की है कि जो मेहनत किया सारे लोगों, अकेला नहीं था, टीम एफर्ट था, लेकिन वो स्वस्थ हो गया और उड़ाने के लायक हो गया, तब खुशी मिली कि चलो एक की जान बच गई। उम्र पता चलता है गिद्ध का? हाँ, लगभग पता चल जाता है। क्या था उम्र उसका? 5 के लगभग। हाँ, मतलब उसको एडल्ट मानेंगे? बिल्कुल एडल्ट मानेंगे, वो 5 साल में एडल्ट हो जाता है, वो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाता है 5 साल में।